तो कल वाली वीडियो के अंदर हमने अपने आईडी में मास्टर लगा लिया था। अब आज की इस वीडियो में हम लोग आगे के लिए पुश करेंगे, नया सीजन आ जाए उससे पहले हमें इलीट मास्टर लगाना है आईडी के अंदर। वैसे चैलेंज काफी मुश्किल है क्योंकि अभी मेरा 50 स्टार हो रहा है और हम लोग को लगाना है 100 स्टार। फिर भी यार देखते हैं यार, चलो वीडियो को स्टार्ट कर दें। अब हमारा पहला मैच स्टार्ट होता है जहाँ पे एक बंदा मेरे सामने आके ग्रेनेड टूक कर रहा था। यहाँ पे इसको वोडी वोडी मारता हूँ लेकिन यार बूपोंग बन जाता है। फिर मैं बूपोंग में जैसे ही गोली मारता हूँ ये बंदा डाउन हो जाता है और जल्दी से इसको क्लियर करता हूँ। तब तक भाई एक बंदा लास्ट का बचा था और भाई उसको मेरा टीममेट मार देता है। पहला राउंड हम लोग इजी पीजी निकाल लेते हैं और हम लोग दूसरे राउंड में आते हैं। यहाँ पे मेरे को M10 मिल गई थी लेकिन यार बंदा भाई दूर था और भाई यहाँ पे लॉन्ग रेंज में था तो मैं इसके पास में जाता हूँ। बूपोंग बन के भाई इसको बिल्कुल ही पता नहीं चलता और भाई डाउन कर देता हूँ और फिर जल्दी से इसको फिनिश करता हूँ। अब लास्ट का एक बंदा बच रहा था, मैं जल्दी से आगे जाता हूँ। हमारे टीममेट लोग फाइट कर रहे थे, मेरे पास लॉन्ग रेंज की वेपन नहीं थी। सामने बंदा तो ग्रेनेड कुकर ही फेंक देता हूँ जिससे बंदे को डैमेज आता है और ख़त्म हो जाता है। हम लोग दूसरा राउंड इजी पीजी निकाल लेते हैं। फिर थर्ड राउंड के अंदर एक बंदा सीढ़ी से रस कर रहा था, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ और बंदा आता है इसको बॉडी वॉडी से नॉक कर देता हूँ। M10 के साथ भाई टिकना इम्पॉसिबल होता है। यहाँ पे ईवो M10 है और भाई यहाँ पे देखो अब सामने एक और बंदा था, इसको भी तगड़ा वाला हेडशॉट मारकर नॉक कर देता हूँ। अब जल्दी से टीममेट को रिवाइव करता हूँ और भाई सामने भी बंदे थे, दो बंदे थे, एक बंदा तो भाई रस कर देता है। मैं यहाँ पे देखो ग्लू वॉल लगाता हूँ और अब इस बंदे के ऊपर जाने लगता हूँ M10 से मारने के लिए। लेकिन यार बंदा काफ़ी अच्छा था, कवर में खेल रहा था, मैं इसके ऊपर रस करता हूँ भाई। लेकिन यार बंदा छुप छुप रहा था बार बार, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे रश करता हूँ लेकिन यार छुप जाता है फिर से। अब आगे जाता हूँ और भाई इसको पूरा M10 वर्ड के डाउन कर देता हूँ। लेकिन यार इसको जब तक मैंने फिनिश करा तब तक भाई उस बंदे को रिवाइव कर दिया था। मैं यहाँ पे आता हूँ, भाई सामने बंदे थे दोनों के दोनों और भाई यहाँ पे वेट करता हूँ। अब जॉन जैसे ही आता है भाई सामने वाले बंदे निकल के आते हैं, एक बंदे को डाउन करता हूँ और एक और बंदा था जिसको मैं अगर मैं मार दूंगा तो भाई हमारा क्वाड्रा हो जाएगा। लेकिन यार ये ओरियन बन जाता है और भाई जैसे ही नीचे जा रहा था मेरा रैंडम बंदा मार देता है और भाई क्वाड्रा मेरा चला जाता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब फोर्थ राउंड के अंदर मैं नीचे से जाके यहाँ पे रश करता हूँ। यहाँ पे एक बंदा दिख जाता है, इसको नॉक करता हूँ। लेकिन यार एक बंदा मेरे सामने बूपोंग बना था, इसको मार रहा था लेकिन यार पीछे से तभी एक और मार देता है और भाई ये बंदा मेरे को पैक कर लेता है और भाई लो लिमोट दिखाने लगता है। अब मैं अपने टीममेट को बुलाता हूँ लेकिन यार ये बंदा मेरे टीममेट को भी मार देता है और भाई फिर से लो लिमोट दिखाने लगता है। नहीं तू दिखा ले बेटे, दिखा ले, अगले राउंड में देखते ना, तू दिखा ले जितने इमोट दिखाने दिखा ले। इस राउंड में इसने जितने इमोट दिखाए ना अगले राउंड में उतने ही बदले लेंगे। देखो हमारे टीममेट लोग थे लेकिन मैंने बोल दिया था कि मारना मत, सो ये लोग एक एक करके मर जाते हैं और भाई ये लोग एक बंदा जाता है ये मर जाता है और फिर लड़की भी जाती है और मर जाता है। अगर मार देते तो हम लोग जीत जाते लेकिन जानबूझ के हम लोग यहाँ पे एक राउंड दे देते। अब हम लोग अगले राउंड में आते हैं और यहाँ पे मैं समझ गया था कि इस बंदे को मारना है और यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को बंदा भी दिख जाता है और यही बंदा था, इसको डाउन कर देता हूँ। और अब इसको डाउन तो कर ही दिया था, आगे जा रहा था तभी एक बंदा बूपोंग बन के इसको रिवाइव करने आ जाता है। मैं ग्रेनेड रहता हूँ और भाई ग्रेनेड कुक करके जैसे ही फेंकता हूँ यहाँ पे दोनों बंदे एक साथ डाउन हो जाते हैं। अब आगे यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे ट्रक के पीछे था, सो मैं आगे जाता हूँ और भाई सामने जैसे ही मुझे दिखता है एक गोली मारने के बाद इसको नॉक कर देता हूँ। और अब लास्ट बंदा बच रहा था, यहाँ पे पहले तो लोली वो दिखाता हूँ, बदला ले लेता हूँ और अब लास्ट बंदे को मेरा टीममेट लोग मार देते हैं और हम लोग इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के अंदर MVP तुम्हारा भाई बन के आता है, हमने टोटल 10 किल करे थे और अब आगे एक स्टार मिल जाता है जिससे हमारे 53 स्टार कम्प्लीट हो जाते हैं। अगले मैच में आते हैं और यहाँ पे देखो मेरे पास ग्रेनेड है, अगर मैंने फर्स्ट राउंड में ग्रेनेड ले लिया तो समझो भाई तबाही है। यहाँ पे देखो मैं आता हूँ भाई सामने, अचानक से बंदा मेरे को फील होता है और यहाँ पे फेंकता हूँ ग्रेनेड तो भाई ये बंदा नॉक भी हो जाता है। इसको फिनिश करने के बाद यहाँ पे मेरे को डबल USP मिल जाती है और फिर ड्रॉप को लूटने के बाद ग्रेनेड फिर से मिल जाता है। अब ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे मेरे को बंदों का साउंड आता है और भाई जैसे ही मैं लेफ्ट में देखता हूँ यहाँ पे मुझे दो बंदे दिख जाते हैं। अब यहाँ पे मैं ग्रेनेड कुक करना स्टार्ट करता हूँ और जैसे ही फेंकता हूँ दोनों बंदों को थोड़ा बहुत डैमेज आता है। लेकिन जैसे ही मैं आगे जाता हूँ यहाँ पे दो बंदे अचानक से रश कर देते हैं और भाई यहाँ पे धागा वाला कैरेक्टर लगाए थे, कासे की उनकी एक्टिव बढ़ रही थी लेकिन मेरी बढ़ नहीं रही थी, तो मैं यहाँ पे डर गया था और भाई पीछे आ जाता हूँ। नीचे बिल्कुल इजी पीजी हील करता हूँ। अब लास्ट का दो बंदे बच रहे थे और यहाँ पे मेरे टीम में लोग फाइट कर रहे थे। अब जैसे तैसे करके यहाँ पे एक बंदा तो वो लोग मार देते हैं और एक बंदा मेरे सामने था, इसको मैं बॉडी और हेड मार के खत्म कर देता हूँ। पहला राउंड हम लोग जीत जाते हैं लेकिन अगले राउंड में सामने वाले बंदे बहुत ही खतरनाक खेलने लगते हैं और भाई हम लोग को मार देते हैं और एक राउंड वो लोग भी कमबैक कर लेते हैं। अब थर्ड राउंड के अंदर होल्ड कर ही रहा था कि यहाँ पे एक बंदा भाई पीछे से छुप के आ रहा था, सो मैं यहाँ पे देखो इस बंदे को बॉडी वॉडी मारता हूँ लेकिन ये ओरियन बन जाता है। ओरियन तो बन ही गया था, मैं भूकंप बनता हूँ और दूर जाता हूँ इससे और जैसे ही बंदा दिखता है बॉडी वॉडी मार के इसको नॉक कर देता हूँ। अब इस बंदे को जल्दी से फिनिश करता हूँ और अब आगे दो बंदे बच रहे थे। यहाँ पे मैं आता हूँ तो सामने मुझे दोनों बंदे दिख जाते हैं, मेरे पास G36 मिल गई थी उस बंदे को मारने के बाद। अब सामने बंदा था बॉडी वॉडी मार रहा था, बहुत गंदा डैमेज लगता है।
इस बंदे को तो बॉडी बॉडी मारकर नॉक कर देता हूँ। फिर एक बंदा इस तरफ से आता है और यहाँ पे इस बंदे को भी बॉडी बॉडी मारकर खत्म कर देता हूँ। और अब थर्ड राउंड स्टार्ट होता है जहाँ पे भाई मेरे सामने एक बंदा आया हुआ था, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ और भाई अचानक से सामने वाला बंदा रश करता है, मैं इसको हेडशॉट मारकर नॉक कर देता हूँ। अब इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ। लास्ट के दो बंदे बच रहे थे, हमारे टीममेट लोग में से दो बंदे मर गए थे। अब यहाँ पे मैं जैसे ही ग्रेनेड को करके फेंकता हूँ बहुत सारा डैमेज आता है, जल्दी से रश कर देता हूँ। और अब जैसे ही आ गया तो यहाँ पे बॉल लगा हुआ था, बॉल तोड़ता हूँ। जैसे ही बॉल टूटता है एक बंदा अचानक से रश करता है, मैं जैसे ही मारता हूँ बॉल लगा लेता है। फिर लेफ्ट साइड में देखता हूँ यहाँ पे एक बंदा था, इसको नॉक करता हूँ और इस बंदे को रश करके यहाँ पे एक गोली मार के खत्म कर देता हूँ और हम लोग ये वाला राउंड भी जीत जाते हैं। और अब आगे चौथा राउंड स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारे सारे के सारे टीममेट खत्म हो जाते हैं। फिर मैं अकेला बच रहा था और भाई सामने वाले बंदे झूले से रश कर रहे थे। मैं ग्रेनेड कुक करके जैसे ही फेंकता हूँ यहाँ पे एक बंदा था, डैमेज तो आ गया था। मैं जैसे ही मारता हूँ भाई पीछे से बहुत ही गंदा डैमेज पड़ता है और इसको जैसे तैसे करके नॉक कर देता हूँ। अब नीचे तो कूद ही गया था, सामने दो बंदे बच रहे थे, जल्दी से एक सुपर मेडी मार लेता हूँ। और भाई सामने बंदा रस भी कर रहा था और पीछे से जॉन भी आ रहा था, मैं जल्दी से आगे जाता हूँ, यहाँ पे बंदा था बॉडी बॉडी मारता हूँ लेकिन यहाँ ओरियन बन जाता है। और अब आगे सामने से बंदा रस करता है, इसको दो गोली मारता हूँ, ये बंदा नॉक हो जाता है लेकिन यार इसने भी काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था। और अब सिर्फ लास्ट बंदा बाकी था, यहाँ पे सामने बंदा होता है, मैं जाता हूँ दो गोली मार के इसको भी खत्म कर देता हूँ और हम लोग ये वाला मैच जीत जाते हैं। एमवीपी तो हमारा भाई बना था, 11 किल करे थे हमने इस मैच के अंदर। और अब इस मैच को जीतने के बाद गरीन वाले कुछ ज्यादा ही खुश हो गए थे, एक साथ दो स्टार दे देते हैं, एक्स्ट्रा स्टार मिल जाता है और हमारा 56 स्टार कंप्लीट हो जाता है। अब हमें कम से कम 110 स्टार तो कंप्लीट करने हैं, इसीलिए हम लोग अगला मैच स्टार्ट करते हैं। एक बंदा सामने से रश कर रहा था, मैं ग्रीन कुक करके फेंक रहा था लेकिन यार परफेक्ट ही जा नहीं रहा था, तो यहाँ पे रुकता हूँ और फिर जैसे ही बंदा आता है इसको नॉक कर देता हूँ। अब इसके लिए तुम लोग कितने पॉइंट दोगे बताओ, जल्दी से बताओ 10 में से कितने पॉइंट दोगे, जल्दी कॉमेंट करो, मैं सबका कॉमेंट पढ़ रहा हूँ। अब देखो मैं लास्ट में अकेला बच रहा था, हमारे सारे के सारे टीममेट खत्म हो गए थे, पेडिकेट कर ही रहा था कि सामने से रश करते बंदे, मैं जैसे ही नीचे कूदता हूँ भाई नीचे ही कूदते मर जाता हूँ यार। हम फर्स्ट ही राउंड हार गए यार, क्या ही बेकार गेम गया। अगले मैच में आते हैं और यहाँ पे देखो मैं वेट करता हूँ, मैक्टन तो मिल गई थी, यहाँ पे वेट करता हूँ, सामने से जैसे ही बंदे आते हैं यहाँ पे देखो ग्रेनेड फेंकता हूँ लेकिन यार ओरियन बन जाता है। लेकिन अब इसको गन से कौन बचाएगा, मैक्टन से मारता हूँ, बॉडी बॉडी स्पैम करता हूँ और इसको नॉक कर देता हूँ। अब एक बंदा तो मैंने मार दिया था, सामने से अचानक से देखता हूँ कि यहाँ पे देखो पीछे से बंदे रश कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बॉडी बॉडी मार के कवर करता हूँ बंदों को और भाई यहाँ पे देखो एक बंदे को डैमेज करता हूँ, फिर एक और बंदा निकल के आ रहा था इसको भी डैमेज करता हूँ और इस तरीके से हम लोग अपना फर्स्ट राउंड जीत जाते हैं। लेकिन अगले राउंड के अंदर सामने वाले बंदे हमारे टीममेट लोग को मार दिए थे, मैं एक बंदे को नॉक भी करता हूँ लेकिन यार सारे के सारे बंदे एकाएक से रश करते और भाई मेरे को मार देते। अब अगला राउंड मेरी फेवरेट लोकेशन पे बन जाता है जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अब यहाँ पे मैं वेट करता हूँ और भाई सामने से एकाएक से एक बंदा दिखता है जो कि घूम के आ रहा था, मैं जल्दी से जाता हूँ और भाई इस बंदे को हेडशॉट मारकर नॉक कर देता हूँ। फिर जल्दी से इसको क्लियर करके आगे की ओर बढ़ता हूँ, यहाँ पे मेरे को सामने एक बंदा दिख जाता है, बॉडी बॉडी मार के इसको भी नॉक कर देता हूँ। और अब आगे लास्ट बंदा बच रहा था, इसको डैमेज करता हूँ और भाई सामने बंदा छुपा हुआ था, सो मैं यहाँ पे फ्लैश फ्रीज फेंक देता हूँ जिससे इसको काफी ज्यादा डैमेज आ जाता है और बंदा बाहर निकल के आता है, यहाँ पे बॉडी बॉडी के साथ इसको भी खत्म कर देता हूँ और हम लोग दूसरा राउंड जीत जाते हैं। और अब पांचवा राउंड स्टार्ट होता है जहाँ पे मैं एक बंदे को ग्रेनेड से नॉक करता हूँ, फिर नीचे की ओर बंदा था मार कर रहा था, इसको भी हेडशॉट मारकर नॉक कर देता हूँ। और अभी भी ऊपर एक और बंदा था, सो यहाँ पे मैं देखता हूँ और भाई सामने जैसे बंदे की लोकेशन पता चलती है, मैं यहाँ पे फ्लैश फ्रीज देखता हूँ जिससे बंदा एक और बार नॉक हो जाता है। अब जल्दी से मेरे टीम में लोग रश कर देते हैं और भाई रैंडम बंदे थे तो जैसे ही भाई घुसते हैं और भाई किल चोरी कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बंदा भाई नीचे की ओर था, इस कार से वही बहुत ही गंदा डैमेज करता है और भाई मैं जैसे ही मारने जाता हूँ ओरियन बन जाता है और भाई मैं मार ही नहीं पाता, भाई ये बंदा मेरे को ही मार देता है लेकिन यार टीम में लोग इस बंदे को मार देते हैं और हम लोग तीसरा राउंड जीत जाते हैं। और अब आगे एक राउंड चाहिए था, यहाँ पे मैं एक बंदे को बॉडी बॉडी मारकर नॉक कर देता हूँ। ये रेड वाला बंदा था, ये बार बार पीछे से घूम के आ रहा था, वही बंदा था, यहाँ पे मैंने इसको तो मार दिया था। और भाई अब देखो लास्ट में दो बंदे बच रहे थे और अब आगे जैसे ही रश कर रहा था यहाँ पे एक बंदा मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, ये स्कार वाला बंदा था जो पिछले राउंड में मेरे को मारा हुआ था। यहाँ पे मैं हील करता हूँ और अब बॉल तोड़ता हूँ, सामने देखो बंदा बैठा हुआ था, तो मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ लेकिन यार ये बंदा सामने छुपा हुआ था, मैं फ्लैश सीरीज फेंकता हूँ और भाई ये ओरियन बन जाता है। लेकिन अब डैमेज तो मैंने कर ही दिया था, तो मैं रश करता हूँ दो गोली मार के इसको नॉक कर देता हूँ। अब लास्ट में एक बंदा था, सामने बंदा था, मैं जल्दी से जाके इसको दो गोली से खत्म कर देता हूँ और हम लोग ये मैच को जीत जाते हैं। और इस मैच के अंदर भी हम ही एमवीपी बने थे, 10 किल करे थे हमने, एक स्टार हमें मिल जाता है जिससे हमारा हो जाता है 57 स्टार कंप्लीट। अब तीन ही मैच भुया करने हैं, सो हम लोग यहाँ पे इस वाले मैच में देखो फर्स्ट राउंड में आए थे, यहाँ पे मैं ग्रेनेड कुक करके जैसे फेंकता हूँ तीन बंदे नॉक हो जाते हैं और भाई आगे जाता हूँ ये सोनिया बन गई थी, ये बंदा भी नॉक हो जाता है। अब लास्ट का बंदा बच रहा था, मैं यहाँ पे इन दोनों बंदों को फिनिश करता हूँ जिससे मुझे यहाँ पे G18 मिल जाती है, मेरी मेडिकेट
स्पीड कम थी, सो मैं यहाँ पे हील करने लगता हूँ, लेकिन सामने से बंदा भी आ रहा था, यहाँ पे मेरा टीममेट आ जाता है जिससे बंदा थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। और भाई जैसे ही बंदा आता है इसको भी हेडशॉट मारकर सोनिया बना देता हूँ, और ये बंदा भी यहाँ पे देखो डाउन हो जाता है। भाई इसने यार दिमित्री चला दिया था, मैं जल्दी से आगे जाता हूँ और इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ क्वार्टर किल के साथ, फर्स्ट राउंड हम लोग जीत जाते हैं। और अब नेक्स्ट राउंड में फार्म टोपिया वाला राउंड आया था, यहाँ पे मैं वेट करता हूँ, भाई सामने से झूले में बंदे आ रहे थे, सो मैं यहाँ पे ग्रेनेड कुक करके जैसे ही उनमें फेंकता हूँ दो बंदों को डैमेज आता है। और अब मैं आगे जाके यहाँ पे बूको मन की रस करता हूँ, लेकिन यार दिमित्री चला दिया था, एक बंदे को नॉक करता हूँ और भाई दूसरे बंदे को भी मार करके नॉक कर देता हूँ, लेकिन यार सालों ने यहाँ पे दिमित्री चला दिया था जिससे भाई बार बार रिवाइव हो जा रहे थे, इन लोग को यहाँ पे नॉक करता हूँ। और भाई जल्दी से यहाँ पे देखो लास्ट वाले को नॉक करके यहाँ पे इन दोनों को फिनिश कर देता हूँ, बट लास्ट में मैं हक देता हूँ भाई एक बंदे पे रस करता हूँ, लेकिन यार ये बंदा मेरे को ही मार देता है। और अभी बचे थे हमारे रैंडम बंदे, तो भाई इनका तो कुछ बोलो ही मत, ये भी मर जाते हैं। एक राउंड क्या कमबैक होता है कि सामने वाले बंदे अचानक से पता नहीं कब दो राउंड और तीन राउंड जीत जाते हैं। फिर लास्ट राउंड में हम लोग आते हैं और यहाँ पे देखो एक बंदे के ऊपर मैं रस कर रहा था कि तभी ये होता है भाई, ग्रेनेड कहाँ से आता है पता नहीं भाई, ये बंदा मेरे को मार देता है और भाई हमारे टीममेट लोग भाई एक एक करके सभी लोग मर जाते हैं, लास्ट में एक बंदा बचता और ये भी मर जाता है और हम लोग अपना पहला मैच हार जाते हैं। बट प्रोटेक्शन लग गया था जिससे हमारा स्टार तो माइनस नहीं हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो यार डिस्प्लेशन में भी है। हमारा अगला मैच स्टार्ट होता है जहाँ पे हम लोग एक राउंड जीत गए थे, दूसरे राउंड के अंदर एक बंदे को बॉडी बॉडी मारकर नॉक कर देता हूँ। और अब देखो लास्ट के तीन बंदे बच रहे थे, मैं भूकोमन के आगे ढूंढता हूँ बंदों को और यहाँ पे एक बंदा दिख जाता है, इसको भी नॉक कर देता हूँ। अब लास्ट के दो बंदे बच रहे थे और यहाँ पे एक बंदा सामने दिख जाता है लेफ्ट साइड में, इस पर फ्लैश फेज लेके फेंक देता हूँ जिससे बंदे को काफी ज्यादा डैमेज आ जाता है, वहाँ से बंदा भाग जाता है, एक और बंदा रस करता है और बॉडी बॉडी मार कर इसको भी नॉक कर देता हूँ। फिर जल्दी से एक एक करके सभी को क्लियर करता हूँ और अब हील करके जल्दी से यहाँ पे इस बंदे के ऊपर रस करता हूँ, लेकिन यार पीछे बंदा आ गया था और यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ और अचानक से पता नहीं कैसे बंदा भागता है और भाई सामने से भाग जाता है, दो गोली तो मारी थी लेकिन बंदा भाई नीचे कूद गया था। और भाई अब देखो जैसे ही मारने जाता हूँ बंदा पहले से वेट कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके इसको फिनिश करके हम लोग क्वार्टर किल के साथ दूसरा राउंड जीत जाते हैं। और अब अगला मैच स्टार्ट होता है, स्पेस वाला यहाँ पे प्लेस आया हुआ था, एक बंदा रस कर रहा था, इसको बॉडी बॉडी करके डैमेज कर दूँ, फिर ये बंदा यहाँ पे बॉल लगा लेता है और अचानक से भाई क्या तू रस करता है, इस बंदे को यहाँ पे बॉडी बॉडी मार कर नॉक कर देता हूँ, जल्दी से इसको फिनिश करता हूँ और यहाँ पे हील करना स्टार्ट करता हूँ। अब लास्ट में मैं अकेला बच रहा था, हमारे सारे के सारे टीममेट खत्म हो गए थे और अब यहाँ पे एक बंदा तो भाई यहाँ पे उड़ते उड़ते भाई कैसे डैमेज कर रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था इससे कैसे बचूं। तो मैं नीचे कूद जाता हूँ और यहाँ पे देखो बॉल लगा के अपने आप को पैक कर लेता हूँ। अब मुझे पता था कि यहाँ से कोई ना कोई बंदा आएगा, इसको नॉक करता हूँ और भाई नीचे से कोई बंदा ग्रेनेड कर रहा था, यहाँ पे साउंड आता है, सो मैं नीचे कूदता हूँ, लेकिन यार पीछे से डैमेज आता और भाई इसको मार रहा था तो पीछे से मार देता है और भाई अगला राउंड हम लोग हार जाते हैं। लेकिन मैच हमें बिल्कुल भी नहीं हारना था, इसीलिए मैं इस वाले राउंड में रस करता हूँ और यहाँ पे एक बंदा ऊपर बैठा हुआ था, ग्रेनेड कुकर की फेंकता हूँ जिससे बंदा नॉक हो जाता है। फिर जल्दी से आगे जाता हूँ, रस करता हूँ, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था, मेडिकेट कर रहा था, इसको भी नॉक कर देता हूँ। और अब मैं वेट करता हूँ भाई कोई बंदा रिवाइव करने आए, यही सोच के मैं यहाँ पे वेट करता हूँ और भाई एक बंदा सामने से आता भी है रिवाइव करने के लिए, सो मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ और इस बंदे को भी नॉक कर देता हूँ। लेकिन तभी एक और बंदा रस करता है और इसको दो शॉट मारता हूँ, लेकिन यार ये बंदा मेरे को मार देता है। अब आगे वन वी वन का फाइट था, मेरा टीममेट आगे थीवा से मुझे रिवाइव कर देता है और इसको मैं डैमेज करता हूँ और मेरा टीममेट इसको मार के ये वाला राउंड हम लोग जीत जाते हैं। और लास्ट राउंड के अंदर मेरा रैंडम वाला बंदा यहाँ पे क्वार्टर किल करके यहाँ पे जिता देता है और भाई इस मैच को हम लोग जीत जाते हैं। एक स्टार इस मैच का मिलता है जिससे हमारा 58 स्टार होता है, फिर अगला मैच जीत के 59 स्टार हो जाता है। अब आखिरी मैच था, इस मैच को अगर हम लोग जीत जाएंगे तो हमारा 60 स्टार कम्प्लीट हो जाएगा। गाइस इस बार ना मैं अभिषेक के साथ खेल रहा था, अब आप लोग सोच रहे हो ये अभिषेक कौन है, तो अभिषेक मेरा छोटा भाई है। मैच के अंदर मैं एक बंदे को यहाँ पे नॉक करता हूँ और भाई अचानक से एक लड़की आती है और भाई यहाँ पे दिमित्री लगा के छोड़ देती है जिससे बंदा रिवाइव होने लगता है। एक बार फिर से डाउन करता हूँ, लेकिन यार ये लड़की को ढूंढता हूँ, लड़की जिसने दिमित्री लगाया था, और ये लड़की यहाँ से आती है, इसको भी हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। अब उस बंदे को ढूंढता हूँ जो कि रिवाइव हुआ था, रिवाइव वाला बंदा मेरी जगह पे आ गया था, इस बंदे के ऊपर रस करता हूँ, बॉडी बॉडी मारता हूँ और बॉल लगा के जल्दी से अपने आप को सिक्योर करता हूँ और फिर अगेन इसके ऊपर रस करके इसको खत्म कर देता हूँ। और हम लोग दो राउंड इजी पीजी निकाल लेते हैं। फिर आखिरी राउंड के अंदर यहाँ पे हम इसके ऊपर चढ़ना चाह रहे थे, हम सोच रहे थे यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ सकते हैं क्या अपडेट के बाद से, तो यहाँ पे मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी एक बंदा रस कर देता है, इसको मैं नॉक कर देता हूँ। लेकिन यार यहाँ पे मैं नॉक तो कर रहा था, लेकिन पीछे से एक और बंदा आता है और भाई मेरे को डैमेज करने लगता है, तो मैं यहाँ पे नीचे कूद जाता हूँ भाई, लेकिन मेरे को ट्रिक करनी थी अभी भी, तो मेरे अंदर भाई ट्रिक का कोई कीड़ा काट रहा था, तो मेरे को ऊपर चढ़ना था, सो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ और भाई यहाँ पे बॉल लगाता हूँ। अब यार यहाँ पे बॉल तो लगाया था, लेकिन पता नहीं यार चढ़ पाएंगे या फिर नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ, यहाँ पे दो बॉल लगाता हूँ और अभिषेक को बुलाता हूँ, यहाँ पे अभिषेक को बिठाता हूँ और फिर ऊपर जाके यहाँ पे उसके ऊपर जंप करता हूँ।
और भाई फाइनली यार इसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग। आप लोग भी इस ट्रिक को कर सकते हो और भाई सीएस रैंक में इजी पीजी बुया निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो एक बंदा भाई लास्ट का बचा हुआ था और भाई ये बंदा सामने से निकल गया था, हेडशॉट मार के इसको भी खत्म कर देता हूँ और हमारा तीसरा राउंड इजी पीजी निकल जाता है। अब लास्ट राउंड था, एक लड़की भाई सामने से रश करती है और भाई मेरे को नॉक कर देती है, बट अभिषेक था और भाई अभिषेक ने उसको नॉक कर देता, मेरे को रिवाइव कर देता है। अब देखो सामने बंदे रश कर रहे थे, सो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, भाई ग्रेनेड कुक करके जैसे ही फेंकता हूँ एक बंदा नॉक हो जाता है और भाई अब लास्ट बंदा बचा था यहाँ पे, पता ही नहीं कहाँ पे था। लास्ट बंदे को हमारा रैंडम टीममेट मार देता है और भाई हम लोग इस मैच को जीत जाते हैं। हमारा यहाँ पे 4-2 के साथ बुईया हो जाता है। मैच के अंदर MVP तुम्हारा भाई बन गया था, हम लोग टोटल 7 किल करे थे इस मैच के अंदर। मैच के बाद एक स्टार मिलता है जिससे हमारा 60 स्टार कंप्लीट हो जाता है। बाकी यार आपको इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और CSRM का न्यू सीजन आने वाला है, बट अभी भी वीडियो आएगा, पुरानी वीडियो मेरे पास पड़ा है, तो अभी भी वीडियो आएगा, मैं ये वीडियो पूरी डाल दूंगा जब हम लोग CSRM का पुशिंग स्टार्ट करेंगे। तो यार उसी वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।